Hey guys, I am Shuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes. This classes is only for class 11th and class 12th students and it only includes accountancy subject. We provide both offline and online classes. While teaching, if you have any doubt, you can contact me or WhatsApp me at my number which is shown in the slide share. From today, we will be starting with class 11th accountancy subject and for that, you should know your syllabus thoroughly. Syllabus of accountancy contains 23 chapters as you can see on the slide share, which is very relevant from the theoretical and practical aspects as well as these are the pillars of the stream which you have opted. Once you make your pillar strong, no one can stop you to get the success in your path. It is rightly said. So today we will be dealing with very first chapter of account, that is meaning and objectives of accounting. So let's get started. Meaning and objectives of accounting. First topic is, what is the meaning of accounting? In layman's language, accounting is the language of business. Layman ke terms mein accounting ek language of business hai. Aisa kyun kaha jata hai? Because it communicate about the business information. Ab now translating it because accounting aapki communicate karti hai business information ke bare mein aur yahi information decision making ke liye use ki jati hai. अब दूसरा, हाउ डज इट कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कैसे करता है? इट कम्युनिकेट थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरेट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू और इन रिपोर्ट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स को प्रोवाइड कराई जाती है. अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को टेक्निकली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिनके अंदर तीन स्टेटमेंट्स आते हैं. बैलेंस शीट जो कि बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, की हमारी बिजनेस स्ट्रांग है कि वीक है. इनकम स्टेटमेंट जो कि बताती है हम लोगों को प्रॉफिट हमारा हो रहा है कि बिजनेस में कि लॉस हो रहा है. और थर्ड स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कैश. बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उस स्टेटमेंट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. अब ये तीनों स्टेटमेंट को हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डील करेंगे. तो होप सो आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं. डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग पहली बात तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, कुछ भी कहीं से उठा के लिख दिया. ऐसा एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिससे सारी एक्टिविटीज की जाती हैं. अब सेकेंड ये आता है कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बिजनेस नेचर का है और कौन सा वो नॉन बिजनेस नेचर का है. दूसरा, आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है मेजरिंग. मेजरिंग करना, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांजेक्शन बिजनेस नेचर का, फिर उसको आप मेजर करोगे कि वो मॉनिटरी टर्म्स में या मनी वैल्यू में मेजर हो रहा है कि नहीं. तीसरा प्रोसेस या तीसरी एक्टिविटीज जो है वो है रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले फर्स्ट फेज में उसको रिकॉर्ड करना. और रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डील करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स जो आपने रिकॉर्ड किए हैं उसको रिस्पेक्टिव हेड्स में क्लासिफाई करना. और उसके लिए हम लोग बनाते हैं लेजर, जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम डील करेंगे. क्लास फॉर एग्जांपल रेंट पेड तो रेंट का पेमेंट हम लोग कैश फॉर्म में करते हैं. तो यानी कि दो हेड्स यहाँ, एक आया रेंट का, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो रेंट के कॉलम में अलग अमाउंट और कैश के कॉलम में अलग अमाउंट. तो ये सब हम लोग लेजर में देखेंगे. हम आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं लेकर जा रहे हैं, बस क्लासिफाइंग का मीनिंग क्लियर कर रहे थे. नेक्स्ट आता है समराइजिंग. समराइजिंग जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो एक साल का होता है. एक साल में आपके जितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन की शॉर्ट समरी को रिकॉर्ड करना, उसी को कहते हैं हम लोग समराइजिंग. नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेटिंग. इंटरप्रेटेटिंग मतलब जो भी रिजल्ट्स आए हैं आपके आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफायर, समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना कि कितने हमारे एसेट्स बच गए हैं, कितनी लाइबिलिटीज बच गई है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना किससे पैसा लेना है, कितना किसको पैसा देना है. तो ये हम लोग इंटरप्रेटिंग का काम में करते हैं. नेक्स्ट बनाता है कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग कैसे होता है मैंने बताई दिया. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू और उससे सारी इंफॉर्मेशन आउटसाइडर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकें.
ठीक है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, होप्स आपको डेफिनेशन इसका क्लियर हो गया होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो मनी के टर्म्स में इजीली मेजर हो सके। नॉन मनी को वो नहीं कंसिडर करता है, जिसका कोई मतलब पैसे से नहीं है या लेन देन से नहीं है, उसको अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर, जितने भी डेटा इंटरप्रेट किए जाते हैं, जितने भी डेटा निकाले जाते हैं, वो सारे पास्ट नेचर के होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर। ठीक है, अब जब हम प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ेंगे तब बताएंगे वो हिस्टोरिकल क्यों होता है। थर्ड पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। अकाउंटिंग रीअरेंजेस द फिगर्स ऑफ बुक कीपिंग इन अकॉर्डिंग टू द फाइनल अकाउंट। बुक कीपिंग के चार एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो उनको सिस्टमैटिक वे में वो अरेंज करता है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद समराइजिंग होता है, एनालाइज होता है, इंटरप्रेट डिसीजन निकाला जाता है। तो दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स। प्रेजेंटेशन ऑफ द समरी फॉर्म, एक बार फिगर्स रीअरेंज कर लिया, उसके बाद समरी बनाई जाती है, जो कि समरी बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस के थ्रू, और ट्रायल बैलेंस इंक्लूड करता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट बनाता है कवरेज। अकाउंटिंग से प्रॉफिट अर्निंग्स को भी नहीं, एज वेल एज नॉन प्रॉफिट अर्निंग्स को भी कवर अप करता है। ट्वेल्थ में आपका एक बहुत एनपीओ चैप्टर है, जो कि आपके नॉट प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट बनाता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। दे आर बेसिकली टू टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स मे बी योर डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, पार्टनर्स एक्सेट्रा, हु हैव द डायरेक्ट इंटरेस्ट इन योर बिजनेस एंटरप्राइज। एंड एक्सटर्नल मे बी योर लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये था इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन की अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग इज अ साइंस एज इट इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। साइंस एक ऐसा चीज होता है जो यूनिवर्सली होता है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2O की बात करें, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं, तो H2O इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इट इज वेल डिफाइंड इन साइंस। उसी तरह अकाउंट्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, और उसी बेसिस पर हम लोग फॉलो करते हैं उन प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में। ठीक है, जैसे कि आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये सारा आपका जितने प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं। तो दैट इज अकाउंटिंग इज अ साइंस। और दूसरा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद अ व्यू टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। आर्ट होता है चीजों को अपने तरीके से प्रेजेंट करना। बहुत सारे सिंगर्स, अगर हम लोग सिंगर्स की बात करें, तो बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जिनका सुर एक होता है लेकिन गाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो उसी सिमिलरली अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल सेम होते हैं, लेकिन जब हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, डेटा प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, तो वो एक आर्ट है। अभी आप लोग को रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप रियल लाइफ में बहुत सारे टीचर से पढ़ते आ रहे हो, सबके पढ़ाने का तरीका सेम होता है? नहीं, बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उनका एक आर्ट है टीच करना। ठीक है, अलग अलग आर्ट है टीच करना। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, होप्स आपको समझ में आया होगा। आज के लिए मेरे को वीडियो यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, कल हम लोग कुछ आगे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।